हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सिद्धांत। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद एयरपॉड्स प्रो, जिसे मैं लास्ट 1 ईयर से यूज़ कर रहा हूं और क्या ये 2021 में एक अच्छा एंड रेलिवेंट वायरलेस ईयरबड्स है कि नहीं। फर्स्टली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द केस। दिस केस इज फैंटास्टिक, दिखता मस्त है, बहुत हाई एंड प्रीमियम क्वालिटी है। And if you compare it with cases, जो दूसरे brands के हैं, this is very compact and comfortable. The size is not at all bulky and it easily fits in my jeans and pockets. The hinge mechanism is also very good. It is the best hinge mechanism that I have found in wireless earbuds these days. The magnet in this case holds the earbuds really strong and secure, and it will come out easily. The moment आप एयरपॉड्स को केस में डालते हो, इट इमीडिएटली फिट्स इन। द केस आल्सो सपोर्ट्स वायरलेस चार्जिंग। अब बात करते हैं अबाउट द ईयरबड्स। वेल, लुक्स आर सब्जेक्टिव। मुझे ये काफी स्टाइलिश लगता है, बट वन थिंग इज श्योर, द क्वालिटी एंड द बिल्ड ऑफ द ईयरबड्स आर अमेजिंग। एप्पल एयरपॉड्स मेरे हिसाब से आर वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल ईयरबड्स that I have ever worn. It is not pain in the ear, और मैं लगातार 3 से 4 घंटे इसे पहने रख सकता हूँ without any pain. Even कभी कभी मैं realize भी नहीं करता कि मैं इन्हें पहना हूँ और ये मेरे कान में। और एक important quality जो Apple AirPods Pro में है वो है इसका built-in vent, जो इसका जो vent है ये ear के अंदर में आप कान के अंदर में जो pressure होता है उसको बैलेंस कर देता है। तो इसमें क्या होता है, जो सक्शन का जो फीलिंग रहता है जो इन ईयर हेडफोन में होता है वो भी एकदम कम कर देता है एंड इट रिड्यूसेस टू एन अमाउंट ऑफ 95%। इसके अलावा जो इसके डिफॉल्ट टिप्स है जो आते हैं, मतलब बहुत इजी है उसको रिमूव करने के लिए। उसके जो क्वालिटीज है वो भी काफी हाई स्टैंडर्ड्स है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ये जब आप अपने कान में डालते हैं, ये काफी सिक्योर रखता है और इसे डालना और घुसाना भी काफी इजी है। अब बात करता हूं मैं इसके कंट्रोल्स के बारे में। इसके जो प्रेशर सेंसिटिव स्केल है वो आर अमेजिंग, इजी टू यूज है और ये काफी कंसिस्टेंट भी है, तो मिस क्लिक्स हार्डली होता है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो मुझे इसमें लगता है, वो है कि इसमें वॉल्यूम एडजस्टमेंट का कोई सेटिंग नहीं है, तो आपको आइदर सीरी और फोन के हेल्प से अपना वॉल्यूम को एडजस्ट करना पड़ेगा। पेयरिंग इज सुपर इजी प्रोसेस एंड इज लाइटली फास्ट। इट इज इजी टू स्विच बिटवीन डिवाइसेस आल्सो। मैं इसे अपने मैकबुक एयर, एप्पल वॉच और आईफोन के साथ यूज करता हूँ, और जब मैं तीनों डिवाइस एक साथ यूज करता हूँ तब ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है कि कौन से डिवाइस में साउंड का जरूरत है और ये उसके साथ पेयर हो जाता है। मुझे ये फीचर इसका काफी अच्छा लगता है। ये एक्चुअली मेरा काफी काम इजी कर देता है, जहाँ पे आपको बार बार इसके साथ पेयर करो उसके साथ पेयर करो का जो होता है फंक्शन एकदम कम हो जाता है। और एक इम्पोर्टेंट जो इसका क्वालिटी है वो है इसका साउंड क्वालिटी। मैंने जितने अपने दोस्तों से बात किया या जो किसी से बात किया है, सबने कहा कि मैं जब भी इससे फोन करता हूँ उन्हें, द वॉइस इज क्रिस्प क्लियर एंड लाउड। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एप्पल एयरपॉड्स प्रो इज ऑल्सो वाटर रेजिस्टेंट एंड इट इज रेजिस्टेंट टिल IPX4। तो एक बार गलती से ये स्विमिंग पूल में गिर गया था और मैं उसको उठा लिया, बट थैंक गॉड वैसा कुछ खास हुआ नहीं, ये खराब नहीं हुआ। लेकिन इसके पहले मेरा एक एप्पल एयरपॉड्स था वो पानी में गिर गया था और वो पूरा खराब हो गया था। तो ऑब्वियसली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसको लेके आप स्विमिंग करें, बट ये हल्का फुल्का जो आप जिम में जो करते जो पसीना होता है, हल्का फुल्का स्पेशिस को ये संभाल लेता है। नाउ लेट्स डिस्कस द एलिफेंट इन द रूम, नॉइज कैंसिलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी को। इसका नॉइज कैंसिलेशन बहुत अच्छा है एंड इट ऑलमोस्ट कैंसल्स मोस्ट ऑफ द फैक्ट अराउंड यू, टू बी प्रिसाइज 95%। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं अपने ऑफिस में बैठ के कर रहा हूँ, लेकिन मेरा नॉइज कैंसिलेशन अभी ऑन है और मेरे को एक भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि मेरे आसपास लोग क्या बात कर रहे हैं। तो इसका क्वालिटी इतना अच्छा है,
विच इज मतलब अमेजिंग है। आप एक बार इसको डालोगे आप विश्वास नहीं करोगे कि छोटा सा डिवाइस में इतना अच्छा नॉइज कैंसिलेशन भी हो सकता है। प्लस नॉइज कैंसिलेशन के अलावा इसमें और एक जो फीचर है वो है ट्रांसपेरेंसी मोड, और ये मेरा फेवरेट फीचर है। इसमें क्या होता है कि आप सारा दिन हेडफोन को अपने कान में लगा के रखिए, ठीक है, और इसमें कुछ एक मेकेनिज्म है जिसके थ्रू में क्या होता है कि बाहर का साउंड आपके कान तक पहुंचा देता है, तो ट्रांसपेरेंसी मोड, और इसमें चार्ज भी आपको ज्यादा देता है। तो ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी मोड इज द मोड जब आप ज्यादातर टाइम में इसको अपने कान पे लगाते रखेंगे। अब मैं आता हूँ साउंड क्वालिटी पर। साउंड क्वालिटी इसका बहुत अच्छा है। मैं जब फर्स्ट टाइम इसका साउंड क्वालिटी सुना था मैं एकदम दंग रह गया था कि इतना अच्छा साउंड क्वालिटी एक छोटे से ईयरपॉड से कैसे आ सकता है। और एक साल मैंने इसको यूज कर लिया और मेरे को अभी भी लगता है कि इसका साउंड क्वालिटी जैसा फर्स्ट डे में था अभी भी वैसा ही है। अब क्वालिटी ऑफ द साउंड के बारे में मैं अगर बताऊँ तो इसके हाई एंड मिड्स आर एक्सेप्शनल, बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इसके जो लोस है वो उतने कुछ खास नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कि इसका बेस कैसा है, तो बेस इसका प्रीटी न्यूट्रल है। अगेन बेस इज अ पर्सनल चॉइस, तो जैसे मैं ज्यादा बेसी ईयरबड्स प्रेफर नहीं करता, तो अगर न्यूट्रल बेस में ये काफी अच्छा साउंड करता है। मुझे इसका साउंड क्वालिटी बहुत क्लासी और बहुत बहुत इफेक्टिव लगता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसका एक प्रॉब्लम जो मुझे एकदम पसंद नहीं, वो है इसका बैटरी लाइफ। इसका बैटरी लाइफ अगर आप ANC एनेबल करके रखते हो तो मैक्सिमम 5 आवर्स देता है, जो कि कुछ खास नहीं है। और जो अगर आप ट्रांसपेरेंसी मोड में रखोगे तो उससे थोड़ा सा ज्यादा देता है। सो अंडर एनी सिचुएशन ये आपको सारा दिन नहीं देगा, और जब आप चार्ज इसका खत्म हो जाता है तब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको इसको चार्ज में डाल के वेट करना पड़ता है कि कब इसका चार्जिंग फुल होगा। मैं बहुत खुश होता अगर इसका बैटरी बैकअप टाइम 9 आवर्स होता, तो उसमें क्या होता मैं अपना सारा दिन का जो ऑफिस टाइम है उस टाइम में सारा दिन इसको लगा के रख सकता। बट लकीली चार्जिंग में उतना टाइम नहीं लगता इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको आप 5 मिनट चार्ज करोगे तो ये करीबन 1 घंटा आपको लिसनिंग टाइम दे देता है, जो कि काफी अच्छा है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो अगर आप मूवी देख रहे हो और मूवी देखते देखते आपका एयरपॉड्स प्रो का चार्ज खत्म हो गया तो आप ज्यादा घबराइए मत, आप एक छोटा सा इंटरवल लीजिए, और बाय द टाइम आप इंटरवल से बैक करेंगे 5 से 10 मिनट का, आपका इनफ चार्ज हो जाएगा कि आप अपना मूवी पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। फाइनली मैं आता हूँ इसके प्राइस पर। ये एयरपॉड्स प्रो मुझे 24,999 पड़ा था, जो कि काफी एक्सपेंसिव है अगर आप ईयरबड्स को मार्केट में जो दूसरे ईयरबड्स है उसको कंसिडर करें। बट ऑनेस्टली माई पर्सनल व्यू आफ्टर 1 year इज इट इज वर्थ इट। द क्वालिटी ऑफ द साउंड इज अमेजिंग एंड इट स्टिल फील्स लाइक ए न्यू इट्स अ न्यू ईयरबड्स दैट आई हैव। कि मुझे ऐसा नहीं कि मैं काफी इसके पहले भी ईयरबड्स मैंने जाबरा का यूज किया है, सोनी का यूज किया है, सैमसंग का यूज किया है, तो पहले पहले तो सब अच्छे ही बजते थे, लेकिन विद ओवर द टाइम क्या हो जाता था साउंड का क्वालिटी डिग्रेड कर जाता था। लेकिन ये 1 साल हो गया मुझे, अभी भी इसके जो साउंड क्वालिटी है एकदम डे वन में जो साउंड क्वालिटी आता था अभी भी वैसे ही है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मैं इसे काफी एक्सटेंसिवली यूज करता हूँ, हर रोज यूज करता हूँ, और उसके बाद भी इसका क्वालिटी या बैटरी लाइफ या साउंड क्वालिटी में कहीं पे भी इसको मुझे इस पर कुछ खामियां नहीं लगी। हाँ एक चीज है इसका बैटरी लाइफ उतना कुछ उतना खास नहीं है, लेकिन फिर अगर ऐसे भी देखें कि 5 मिनट में इसका चार्जिंग करना भी बहुत ईजी है, तो 5 मिनट में 1 घंटा चार्ज भी दे देती है, तो इतना भी बड़ा इनकन्वीनियंस नहीं है। मुझे लगता है कि आज तक मैंने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है ईयरबड्स में, मुझे लगता है कि ये आज तक का मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ईयरबड्स का। तो अगर आप मार्केट में एक अच्छा ईयरबड्स ढूंढ रहे हो और आपका बजट करीबन 18,000 से 25,000 के बीच में है, तो एयरपॉड्स प्रो अभी भी वन ऑफ द बेस्ट है। और अभी जो एडवांटेज आपको मिलेगा कि आपको कुछ कुछ अमेजोन में या फ्लिपकार्ट में डिस्काउंट्स में भी मिल जाएंगे, तो ये 25,000 का भी नहीं, अभी कभी कभी 18,000
20,000 21,000-22,000 में भी आपको ये मिल सकता है, और एंड दैट प्राइस पॉइंट आई थिंक इट इज एन अमेजिंग डील. दिस इज समथिंग दैट यू शुड रियली कंसिडर बिकॉज दीज आर अमेजिंग एंड इट वॉन्ट डिसअपॉइंट यू. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा. प्लीज लेट मी नो योर थॉट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर रियली गुड लाइफस्टाइल वीडियोस. तो मिलते हैं फॉर द नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.